नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान 2021 के लिए उन्होंने रेलवे से जुड़े कई ऐलान किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा सीतारमण ने रेलवे के लिए रेल योजना 2030 के बारे में भी जानकारी दी है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना बताया गया है। वहीं उन्होंने इस दौरान बताया कि बिजली से चलने वाली ट्रेन के लिए दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बजट भाषण में बताया कि 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेन बिजली से दौड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि NRP नेशनल रेल प्लान 2023 के ड्राफ्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। बता दें कि 2017 से पहले आम बजट और रेलवे बजट अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन अरुण जेटली पहले ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश किया है। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को ऐसा किया था। साथ ही दोनों को अलग अलग पेश न करते हुए ऐसे ही बजट के समान पेश करने से 92 साल की परंपरा खत्म हुई थी। वहीं रेलवे बजट के आम बजट में विलय के बाद से कई बड़ी घोषणाएं हुई। इनमें 555 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने का ऐलान हुआ था। रेलवे ट्रैक के साथ सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।